देंगे सरसों का तेल। इतनी ताजी फ्रेश करेला देख के मुझसे रहा नहीं गया और हमने 2 किलो करेला तौला लिया 40 रुपए किलो के हिसाब से। हम गए थे प्रतापगढ़, तो वहाँ मार्केट लगा हुआ था, यानी बाजार लगी हुई थी फतनपुर में, पतिदेव के यहाँ। तो वहाँ हमें देसी करेला मिल गया। देसी करेला ऐसे लंबी लंबी लाइनें होती हैं, और जो मतलब कि ऐसे फार्मर होती हैं उनकी छोटी छोटी जगह जगह काली काली होती हैं। तो ये देखिए बिल्कुल हरा और थोड़ा सफ़ेद टाइप में होता है, और जो दूसरा करेला होता है वो कड़वा भी ज़्यादा होता है और थोड़ा कालेपन पे होता है, गहरा हरा होता है, ये हल्का हरा होता है। तो इसी का हम आज बनाएंगे अचार, जो कि बहुत फायदेमंद होता है। करेला खून साफ करता है, शुगर वालों के लिए अमृत के समान होता है, और मन साफ हो जाता है, तो करेले का अचार बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या क्या डाल के बनाएंगे, बताते हैं विस्तार पूर्वक। पहले करेले को हमने खूब अच्छे से धो लिया है, 3-4 पानी धुल लिया है, मल मल के धुल के रख दिया है, इसका पानी खत्म हो गया है। देखिए पानी इसका सूख चुका है, अब इनकी कटिंग करेंगे हम सबकी। तो कैसे कटिंग करेंगे दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो इनका किनारा काट लेंगे, ये जितने इसमें लगे हुए हैं ये सब डंठल ये काट लेंगे। जो करेले छोटे होंगे उनको ऐसे खड़े पाके काटना है, जो बड़े होंगे उनको थोड़ा सा दो मतलब कि इसके लंबाई में 2 खंड करना, तो बहुत पतला पतला नहीं करेंगे, और जिसमें कड़ा बीज होगा उसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम पूरे करेले को काट लेंगे, फिर आगे बताते हैं। कटिंग करने के बाद हम बड़ी थाली में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें हम मिला देंगे करीब 1-1.5 चम्मच तक हल्दी, और इसके बाद में इसमें हम छोटी कटोरी है एकदम से नमक मिला देंगे, और इसमें अभी कुछ नहीं मिलाएंगे, बस इसको खूब अच्छे से एक दूसरे में खूब बढ़िया से मिला देंगे, ताकि नमक हल्दी सब एक में मिल जाए खूब, ऐसे हाथ से रगड़ रगड़ के। अभी खूब अच्छे से पूरा मिल चुका है, अब हमें क्या काम करना है कि इसको, अब इस पूरे करेले को हम उठा के इस डिब्बे में डाल देंगे। हम लोगों के यहाँ कहा जाता है भैया नून हल्दी छछड़ के रख दे। दो दिन कंप्लीट हो गया है, तीसरा दिन है, तो करेला एकदम गल चुका है, खूब अच्छे से करेला एकदम गल चुका है। अब इसको निकालते हैं चलिए, और इसके लिए फिर क्या मसाला मुझे तैयार करना है वो फटाफट बना लेते हैं। अब इसको ऐसे ही रख देंगे ताकि इसका पूरा पानी छन जाए। देखिए कैसे करेला नाखून गड़ने लगा, अब जब सामान मिला के रखेंगे तो और अच्छे से गलेगा। रख दिए हैं करेले को अच्छे से थाली में जिसमें हमें बनाना है, और इसको चलिए इसके लिए मसाला ले लेते हैं। तो मसाले में हमने 1.5 चम्मच सौंफ ले लिया है, और ये छोटी कटोरिया थोड़ी धनिया ज़्यादा लगता है, और ये 1.5 चम्मच मेथी ले लिया है, 1.5 चम्मच जीरा ले लिया है, 1 चम्मच मंगरेल ले लिया है, मंगरेल चूंकि कड़वा लगता है, और इसके बाद थोड़ी सी काली सरसों ले लिया है। तो सबसे पहले काली सरसों को हम थोड़ा दरदरा पीस लेंगे, और लास्ट में क्या डालना है वो आपको हम बताएंगे, जिससे करेला अचार हमारा खूब बढ़िया से टिका रहे और बना रहे। तो इन सबको पहले चलते हैं, सरसों को ऐसे कच्चे ही दरदरा पीसेंगे, बाकी इन 5 चीज़ों को अच्छे से भून के हम, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और बहुत कम भी नहीं भूनना है, तो भून के इनको पीस लेते हैं। फ्राई पैन चढ़ा दिया, गैस करेंगे ऑन। सबसे पहले मेथी को हम भूनेंगे, तो सरसों भी हमारा पीस गया, ये मसाला भी हमारा पीस गया, जीरा मेथी सौंफ धनिया मंगरेल ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब ये हल्दी हमने ले लिया है, नमक ले लिया है, अब सभी चीज़ों को हमने एकत्र कर लिया है। अब आइए करेले को ले लिया है, अब इस करेले में सबसे पहले तो हम डालेंगे ये सरसों का जो दरदरा हमने पीसा है इसे डाल देंगे, और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, हल्दी ऑलरेडी डाला था पर थोड़ी अभी और लगेगी, और इसके बाद हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक अपने, और इसके बाद फिर ये जो हमने पीसा है ये कलौजी में भी आपकी यूज होता है, अचार में भी यूज होता है ये मसाला। अब इसी में 1 चम्मच ही अपने घर का कूटा पीसा लाल मिर्च डाल देंगे, आप लोग बोलोगे करेला खुद ही कड़वा होता है फिर इसमें, तो सरसों डाला गया है, सरसों इसलिए डाला गया है सरसों से खट्टा हो जाता है बाद में चल के, और मिर्चे को हमने इसलिए डाला है थोड़ा कलर भी आ जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा।
हाँ, एक जबरदस्त सीक्रेट बताने जा रहे हैं कि इसको डालने से अचार अच्छे से गल भी जाता है और कभी खराब नहीं होता। तो ये है विनेगर सिरका, इसको थोड़ा डाल देंगे जब करीब 2-3 चम्मच के लगभग, इससे सिरका हमारा कभी खराब नहीं होता है और बढ़िया से सीज जाता है, यानी सिरका नंबर एक का बन जाएगा। अब सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे पहले हम। लास्ट में हम मिला देंगे सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल हम ले आते हैं, हमारे यहाँ एक जगह पेरता है तो वहां से लेके आते हैं। अभी पूरा अच्छे से खूब मिला देंगे। अब लास्ट में हम एक चीज और मिला देंगे जिसमें कि ये तवे से और थोड़ा अचार की खूबसूरती बन जाती है और स्वाद भी दुगना हो जाता है। ये मंगरेल हो गया, थोड़ा सौंफ, थोड़े जीरा, ऐसे खड़ा खड़ा भी मिला देते हैं तो देखने में भी और अच्छा लगने लगता है। अब इसको हम बना के ऐसे पूरा जार में भर के अभी से भी हम खा सकते हैं और धूप 2 दिन दिखा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बन के हमारा अचार बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। तो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा जरूर। ये शुगर पेशेंट के लिए, बुजुर्गों के लिए, मन साफ करने के लिए बहुत ही फायदेमंद अचार होता है, खून साफ होता है। और चावल दाल रोटी सब्जी आप बना ले रहे हैं, सब्जी भी नहीं बनाए, 2 पीस अचार आपने रख लिया तो सब आपको करेले की सब्जी का पूरी टेस्ट आ जाएगा। है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत फायदेमंद ये अचार है, तो घर के बड़े बुजुर्गों को जरूर खिलाएं, शुगर पेशेंट वालों के लिए तो खास करके। मैं स्पेशली ये शुगर पेशेंट के लिए ही बनाती हूँ, और तो बाकी सब खाते रहते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।